मैं बाहर आ गया, मुझे मत देखो. मुझे लगता है इस पॉइंट पे विद ऑल यू रिस्पेक्ट एजाज के अलावा और कोई भी अगर जीते फेयर होगा, क्योंकि एजाज एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे जो 40-45 डेज के बाद शो में आए थे. बाकी हर कोई जो तीन है, संग्राम, तनीषा, गौहर, डे वन से लेके अब तक 105 दिन घर में, तो मुझे लगता है इट इज अ ह्यूज थिंग व्हाट दे हैव डन. 105 दिन तक घर में रहना, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. तो इन तीनों में से कोई भी जीत जाए, आई थिंक दे विल बी वेल डिजर्व. बिग बॉस के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं, बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में? आप दोनों बढ़िया थे, बढ़िया हैं, बढ़िया रहेंगे. बिग बॉस नहीं, आई गेस थिंग्स हैव बीन द सेम. हाँ, बस वो लोगों के सवाल जो है बहुत ज्यादा होते हैं बिग बॉस के सवालों में, कि तुम लोगों को खाना मिलता था कि नहीं मिलता था, स्क्रिप्टेड है क्या ये शो, नहीं यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम लोग इतने पतले हो गए, खाना तो तुम लोग हमेशा खाते रहते, तो 40 मिनट जो भी 42 मिनट का जितना भी एपिसोड, तो ये सब सवाल जो है लोगों के पास बहुत सारे आ गए बिग बॉस के बाद. सवाल है कि जैसे हमेशा कहते कि बिग बॉस हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, इस बार उनका रूप काफी बदला है, काफी जॉली हो गया, आपको लगता है कितना बदला है बिग बॉस का रूप? अरे बिग बॉस इस बार माइंड ब्लोइंग थे, मतलब हम कभी कन्फेशन रूम में जाते थे तो मस्ती वस्ती भी करते थे हमारे साथ, तो इस बार एक्चुअली बिग बॉस आई थिंक बहुत अच्छे मूड में थे पूरे सीजन, और मस्ती वस्ती करते थे, जोक वोक मारते थे, तो वो सही चीज है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.